भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट कमांडर निशान सिंह को सैन्य सम्मान के साथ गोवा में अंतिम विदाई दी गई। 26 नवंबर 2020 को MiG-29 के विमान हादसे के दौरान उनकी जान चली गई थी। शुक्रवार को निशान सिंह की पत्नी नायाब रांधवा को स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिस ने तिरंगा और उनके पति की यूनिफॉर्म सौंपी। नौसेना अधिकारी के बेटे कमांडर निशान सिंह हाक और MiG-29 के लड़ाकू विमान के क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। उनका निधन भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी क्षति है। निशान सिंह ने यूएस नेवी के साथ एडवांस स्ट्राइक ट्रेनिंग भी ली थी और वो एक प्रशिक्षित पर्वतारोही थे, साथ ही वो एक कुशल नाविक भी थे। बता दें, निशान सिंह ने अपने सहयोगी कमांडर के साथ MiG-29 से 26 नवंबर को शाम 5 बजे उड़ान भरी थी। ये विमान अरब सागर में क्रैश हो गया था। दूसरे कमांडर तलाश के दौरान पहले ही मिल गए थे, लेकिन निशान सिंह की तलाश कई दिन तक की गई। 11 दिन के गहन सर्च ऑपरेशन के बाद निशान सिंह का शव गोवा के तट से 30 मील दूर पाया गया। 170 मीटर गहरे पानी में था। नौसेना की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। बता दें, MiG-29 के रूसी मूल के 2-सीटर ट्रेनर जेट हैं। इन जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किए जाने के लिए खरीदा गया था। हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हिस्सा लिया था, जिनमें MiG-29 के विमान भी शामिल थे। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में गोवा में रूटीन प्रैक्टिस उड़ान के दौरान एक मिग विमान क्रैश हो गया था। हालांकि तब उस घटना में पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा था। तो वहीं निशान सिंह का एक पत्र भी वायरल हो रहा है। ये पत्र अब से 7 महीने पहले कमांडर निशान सिंह ने अपने वरिष्ठ अफसर को लिखा था। अपनी शादी के फैसले की सूचना अपने वरिष्ठ अफसरों को देने के लिए इस पत्र की भाषा और इसका अंदाज बताता है कि कमांडर सिंह कितने जिंदा दिल और खुश मिजाज और जीवंत इंसान थे। अपनी शादी की इजाज़त मांगते हुए कमांडर निशान सिंह ने अपने सीनियर ऑफिसर को लिखा था, मैं खुद पर एक न्यूक्लियर गिराना चाह रहा हूं और महसूस करता हूं कि जैसा कि युद्ध के दौरान हम लोग क्षण भर में फैसला लेते हैं, मेरे पास इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए वक्त खर्च करने की लग्जरी नहीं है। विवाह की इजाज़त मांगते हुए उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है इस लापरवाह आत्महत्या जैसे दिखने वाले और पूर्ण रूप से लड़कपन में की गई गलती को माफ करने के लिए आपके पास दिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।